हाय, मेरा नाम है यश दुबे एंड वेलकम टू द यश स्टोरी। तो आज बात करते हैं फिटनेस में डंबल रोज। डंबल रोज ऐसे लगाते हैं और आपने काफ़ी बार देखा होगा लोगों को लगाते हुए, तो आज इसकी बात करते हैं और इसको हम ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए, आपके और आपके लाइट्स के लिए कैसे हो सकती है वो बात करते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है कि क्या क्या एक्सरसाइजेज हैं हमारे पास, पहले तो हम ये देखते हैं लैट्स के लिए। लैट्स के लिए हम लैट पुल डाउन लगा सकते हैं, बारबेल रो हमने देख ली, बारबेल रो लगा सकते हैं और चिनअप्स लगा सकते हैं। सारी एक्सरसाइजेज में क्या हो रहा है, हम दोनों हाथ एक साथ यूज़ कर रहे हैं। तो जब मैं दोनों हाथ यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे लैट्स काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रेन हो रहे हैं, पर एक प्रॉब्लम है, जब मेरा एक बार पे फिक्स्ड हूँ, मेरे दोनों हाथ फिक्स्ड हैं, तो मेरा मोशन एकदम स्ट्रेट ही रहेगा। पर अगर आप लैट्स की वो देखें, मसल को देखें और उसका टोटल मोशन जो वो प्रोवाइड करता है वो देखें, तो एक आर्क में आता है। आपके आर्म का जो मोशन है वो ऐसे जाके ऐसे अंदर की तरफ, ये लैट्स ही प्रोवाइड कर रहा है, ये आपका फुल एडक्शन हो रहा है, फुल कॉन्ट्रैक्शन जो है आपका लैट का वो इस टाइम हो रहा है, सीधे में नहीं, अंदर ऐसे, ठीक है, जब अंदर आ रहा है। तो ये चीज़ जो है, हम दोनों हाथ एक साथ रख के नहीं ट्रेन कर सकते। इसको पूरे एडक्शन को ट्रेन करने के लिए हमें सिंगल हैंड डंबल रोज का सहारा लेना पड़ेगा और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है इस चीज़ को फोकस करने के लिए। तो इसकी तरफ देखते हैं कि कैसे करते हैं। आप कोई भी एक बेंच ले लो, आपको बेंच नहीं मिल रही, आप इतना नहीं झुक सकते, तो आप कोई भी सहारा डंबल रैक ले लो, कोई भी ले लो जहाँ से आप सहारा ले सकते हो, उस पर आप एक तरफ फोकस हो जाओ। अब देखते हैं कि लोग क्या क्या गलती करते हैं और क्या क्या बिगनर की मिस्टेक्स होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो मेरे को अपना बैक सीधा रखना है इसमें, ताकि मेरी कोई इंजरी ना हो जाए बैक में और मैं लैट्स पे ज़्यादा फोकस रख सकूँ। तो ये कब नहीं होता, जब मैं ऐसे करके ऐसे शुरू कर देता हूँ। अब आप देख रहे हो कि अभी नहीं हो रहा, ठीक है, ना ही मेरा बैक सीधा होगा, ना ही मेरे लैट्स पे उतना फोकस पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतनी जगह ही नहीं है, इतना रूम ही नहीं है कि कुछ हो सके, क्योंकि मेरा जो पैर है वो बहुत पास है मेरे बॉडी के। तो करना क्या है, पैर को पीछे रखना है, एक जो आप पैर पीछे रख रहे हो और बाकी जो बॉडी स्टेबल है उसको स्टेबल ही रखना है। अब देखना, अब मेरी बैक स्ट्रेट है, अब मेरे पे ज्यादा जगह है कि मैं लगा सकूं। अब लगाना कैसे है, अब डंबल रोज करनी कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। पैर पीछे हो गया, जगह मेरे को मिल गई, बैक स्ट्रेट हो गई, फॉर्म मेरा सही हो गया। अब लोग क्या करते हैं, इसको जल्दी, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि इसको जल्दी लगाने की कोशिश करते हैं सारे रैप्स, क्योंकि बहुत मुश्किल एक्सरसाइज है, आपको लोअर बैक को स्टेबल रखना है, आप एक अनकंफर्टेबल सी पोजीशन में हो, और तो लोग क्या करते हैं, अपने रैप्स जो है फास्ट लगाने की कोशिश करते हैं। इसमें फास्ट रैप्स क्यों आपके लिए हेल्पफुल नहीं है उसको देखते हैं। यहाँ पर केवल आपके लैट्स ही नहीं है इन्वॉल्व, आपके बहुत सारी चीज़ें और भी इन्वॉल्व है, आपके शोल्डर इन्वॉल्व है, आपके बाइसेप इन्वॉल्व है, आपका फोरआर्म इन्वॉल्व है। तो क्या होगा, जब आप जल्दी लगाओगे, आपका धीरे धीरे जो है फोकस, जो टेंशन सारा का सारा है, ज़्यादा फोर्स लग रहा है, वो लैट से हटके इनमें से किसी एक चीज़ में आ जाएगा। अगर मैं जल्दी रैप लगाना शुरू कर दूँ, ये होगा ही होगा, अगर मैं ऐसे ऐसे करके जल्दी लगाना शुरू कर दूँ, ठीक है, मेरा फोकस जो है, मेरे टेंशन लैट पे नहीं आएगा, या तो थोड़ी देर में ऐसा होना शुरू हो जाएगा, ऐसा ऐसा, ठीक है, मतलब कि पहले मैं डंबल उठा रहा हूँ फिर मैं पीछे ले जा रहा हूँ, थोड़ी देर में ये होना शुरू हो जाएगा, यानी कि फोरआर्म बाइसेप लेना शुरू कर दिया, या फिर मेरा राउंडिंग होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, ऐसे, तो मेरे लैट्स पे उतना टेंशन आएगा ही नहीं। तो सारे रैप्स जो है स्लो लगाने, फोकस रैप लगाने, अपने दिमाग में सोचना है कि मैं लैट्स को ट्रेन कर रहा हूँ, पूरा एडक्शन पूरा एक्सटेंशन सब हो रहा है मेरे लैट्स के साथ, ठीक है, ये हमेशा दिमाग में रखना है। तो अब जब हम लगा रहे हैं तो क्या हुआ, जब हम लगा रहे हैं, अब पूरा फोकस मेरा लैट्स पे है, मेरी बैक स्ट्रेट है, अब एक और चीज दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी कि लोग इसको डंबल को जो है ऊपर लाना शुरू कर देंगे छाती की तरफ, चेस्ट की तरफ, उससे क्या होगा, आपका लोअर पोर्शन ऑफ द जो लैट है वो उतनी इफेक्टिवली ट्रेन नहीं हो पाएगा। आप कोशिश करो कि इसको जो है नाभि की तरफ, नेवल की तरफ अपने लाओ, जिससे कि लोअर पोर्शन ऑफ द लैट्स भी उतनी ही अच्छी तरीके से ट्रेन हो जाए और पूरा वी कट आए, यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से लैट ट्रेन हो जाए। तो क्या करना है, मेरे को कोशिश करनी है कि मैं यहाँ की तरफ लाऊँ, मेरा बैक स्ट्रेट है, मेरे लेग्स पीछे हैं, मैं स्लो मोशन कर रहा हूँ, स्लो मूवमेंट करूँगा, मैं फोकस्ड हूँ, ये सब मैंने देख लिया, और मैं जो है वो डंबल को पीछे की तरफ ला रहा हूँ, ठीक है। एक और टिप है इसमें, और इसको कैसे अच्छी तरीके और इसको इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं,
इसमें क्योंकि मैं एक सिंगल डंबल यूज कर रहा हूँ, एक हाथ से कर रहा हूँ, मैं थोड़ा एक्सटेंशन आगे भी कर सकता हूँ, मैं थोड़ा जब डंबल नीचे ले जा रहा हूँ तो मैं थोड़ा उसको आगे की तरफ कर सकता हूँ जिससे कि मेरा और एक्सटेंशन लैट पर पड़े। जब मैं ऊपर ला रहा हूँ, यहां तो मैंने ऊपर ले आया पूरा यहां तक, ठीक है, अब मेरे लैट कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। अब मैं जब नीचे ले जा रहा हूँ तो मैं इसको सीधा ऐसे नीचे नहीं ले जा रहा, मैं थोड़ा आगे की तरफ ले जाता हूँ। अब मेरा पूरा जो है एक्सटेंशन लैट्स का हुआ है और यहीं से वापस ला रहा हूं। तो काफी जो है टेंशन, काफी एक्सटेंशन, काफी अच्छा कॉन्ट्रैक्शन सिंगल डंबल रो देती है। इसको जरूर आप इन्वॉल्व करें अपने बैक वर्कआउट में या अपने पुल वर्कआउट में, जैसे भी आप कर रहे हैं, अपना स्प्लिट लगा रहे हैं। हाँ, जो है बारबेल रोज का अपना फायदा है कि वो आपको एथलेटिकली ट्रेन होने के लिए मजबूर कर रही है। आप उस पर हो अपने पैरों पर हो, स्टैंडिंग पोजीशन में हो, लोअर बैक एक डिफिकल्ट पोजीशन में, आप एक प्रॉपर एथलीट बन रहे हो, वो भी करो, लैट पुल डाउन भी लगाओ, चिन अप्स भी लगाओ, पर इसको भी लगाना, इससे काफ़ी अच्छा लोअर लैट और पूरा वी लुक बहुत अच्छा आएगा, काफ़ी एथलेटिक बनोगे आप। और हर एक एक्सरसाइज का अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है, उसके बेसिस पे आपको जब जो आपका गोल हो ट्रेन करने के लिए, उस गोल के हिसाब से ट्रेन करना। थैंक यू।